तुलापुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता है। हरिया के पास 4-5 गाय है। उनके दूध से हरिया का अच्छा व्यापार होता है, लेकिन वो उन गायों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। उन बेचारी गायों के रहने के लिए एक छत भी नहीं है। चाहे धूप हो, जोरों की बारिश हो या जमा देने वाली बारिश, ऐसे ही रहना पड़ता है उन गायों को। इतनी गायों को संभाल नहीं सकते हो तो बेच दो ना, क्यों इन्हें ऐसे परेशान कर रहे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहुत पैसे कमा लिए, अब इनका जरूरत नहीं है मुझे। किसी बेवकूफ को देखकर बेच देनी चाहिए। उसी गांव में बिरजू नाम का एक और व्यक्ति भी रहता है। बिरजू बहुत ही शांत और पुरानी सोच वाला है। उसकी इस आदत के बारे में जिसे भी पता होता है, वो बिरजू को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। अरे बिरजू भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमसे एक जरूरी काम है मुझे। मैं हरिया से मिलने के लिए जा रहा था। बताओ, तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे पैसे लौटाना चाह रहा था। लेकिन मुझे लौटाने के लिए पहले कुछ और पैसों की जरूरत है। अगर वो मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है कहकर बिना सोचे उस व्यक्ति को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है बिरजू। और ऐसे जाकर बिरजू हरिया से मिलता है। हरिया उसे ये वो बातें बताकर गायों को ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश करता है। हाँ, ये एक तरह यूँ ही समझो कि मेरे गाय दूध के रूप में सोने देते हैं। इसीलिए आज मैं इतना धनवान हूँ। लेकिन अब मैं इन सब से छुट्टी ले रहा हूँ। तुम तो अभी इतने जवान हो, अभी से छुट्टी क्यों ले रहे हो? और इतनी अच्छे गाय बेचकर अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम इतने ज्यादा धनवान भी नहीं हो अभी। मेरी पहली बात सच है, मेरी गायें दूध सोने की तरह देती है। लेकिन उनका ख्याल रखना मेरा बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं अपने पास एक गाय रखकर बाकी के बेच रहा हूँ। चाहिए तो लो या फिर चले जाओ। हरिया जो कहकर बिरजू को अपने गाय बेचने के लिए आया था, वो बात उल्टी पड़ गई थी। इसलिए किसी और को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बिरजू भी अजीब था। 2-3 दिन इंतजार करके फिर से हरिया की गाय खरीदने के लिए आता है। मैंने बताया था ना, मेरे गाय दूध के रूप में सोने देते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो इन्हें खरीदने से इनकार करेगा। मैं इसीलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारी गायें इतने अच्छे दूध देती है। मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग से वो बात नहीं जा रही है जो तुमने कही थी कि तुम अपनी गायों का ख्याल रख नहीं पा रहे हो कहकर। इसीलिए मैं आया हूँ। ऐसे कहते हुए बिरजू अपने सारे पैसे लगाकर उन गायों को खरीद लेता है। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वक्त पर हरा घास डालता है। एक अच्छे तबेले में भी रखता है। उस तबेले में हर मौसम से बचने के लिए सुविधा थी। एक दिन ऐसे ही अपने गायों को घास डालने के लिए आए हुए बिरजू की आंखें फट गई थी। इस तबेले में जो गायें थी वो सोने की बन गई थी। क्या जादू है? किसी ने पेंट किया है क्या? यह गाय सच में सोने की बन गई है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे कहते हुए बिरजू उन गायों का दूध निकलता है। वो भी सोने का ही आ रहा था। तब बिरजू को यकीन हो जाता है कि वो गाय सच में सोने की हो गई है। और उनका अच्छे से ख्याल रखने की वजह से बिरजू की भी इस तरह से मदद कर रहे हैं।
जिंदगी भर अपने सर पर एक झटके लिए तरस गई होगी ये गाय। इसीलिए अब सब कुछ मिलने पर खुशी होकर मुझे खुशी दे रहे हैं। ऐसे कहते हुए बिरजू उन गायों का थोड़ा थोड़ा दूध बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। वो देखकर हरिया उससे मिलने के लिए आता है। मैंने तो इन गायों के बेचने के बाद और भी ज्यादा कंगाल हो गया हूँ। तुम्हारे पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए? तब बिरजू उसे सारी बात बताता है, कैसे उसने गायों का ख्याल रखा और बदले में गायों ने उन्हें क्या दिया। उसकी बातें सुनकर हरिया हैरान हो जाता है और उसकी बची हुई गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगा कहकर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। चुटकीपुर नाम के एक गांव में सांत्रा नाम का एक बैल रहता है। सांत्रा बैल गुब्बारे के पैकेट्स बेचकर कमाए हुए पैसों से अपनी पत्नी और बेटी का पेट पालता है। आज आप टिफिन क्यों लेकर जा रहे हो? हर रोज तो खाने के लिए घर ही आते हो ना? लगता है तुम भूल गई हो कि आज संडे है। संडे कोई स्कूल नहीं होता है, इसीलिए मुझे आज के दिन दूर तक जाना पड़ता है। संडे को तो हर कोई छुट्टी लेते हैं पिताजी, फिर आप क्यों काम पर जाते हो? छुट्टी ले लिया करो ना संडे के दिन, हमें भी अच्छा लगेगा। सांत्रा बेल अपनी बेटी नींबू गाय से कहता है कि अगर वो एक दिन की छुट्टी लेगा तो उन्हें वो एक दिन बिना खाए बिताना पड़ सकता है, इसलिए वो एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकता है, और ऐसे कहते हुए काम पर चला जाता है। गुब्बारे ले लो बच्चों, गुब्बारे ले लो, सिर्फ 10 रुपए में एक पैकेट गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो भाई साहब अपने बच्चों के लिए। सांत्रा बेल आज के दिन बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के पास गुब्बारे के पैकेट्स बेचने लगता है। ऐसे दोपहर हो जाती है लेकिन एक भी गुब्बारे का पैकेट नहीं बिकता है। इसी बात से परेशान सांत्रा बिना खाए काम कर रहा था और कमजोर पड़ रहा था। ऐसे कमजोरी में जाकर एक चलती हुई गाड़ी से टकरा जाता है। अरे अरे उठाओ बेचारे को, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, ये अभी जिंदा है। ऐसे कहते हुए आसपास खड़े हुए लोग सांत्रा बेल को हॉस्पिटल पहुंचाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद नींबू और उसकी माँ को ये बात पता चलने पर दोनों हॉस्पिटल आते हैं। ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, इसीलिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर सांतारा अब बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 6 महीने तक के लिए तो आपको हर वक्त उनके साथ ही रहना होगा। ठीक है कहकर नींबू और उसकी माँ मिलकर सांत्रा बेल को घर लेकर जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है। तब दुखी सांत्रा ऐसे कहता है, मैं तुम दोनों के लिए एक बोझ बन गया हूँ, मुझे उसी हॉस्पिटल में छोड़कर आते तो अच्छा होता। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो आप? सिर्फ 6 महीने की तो बात है, आप तो हमें जिंदगी भर पालते आए हैं। क्या हमने भी ऐसा ही कहा था आपसे? माँ सही कह रही है पिताजी, कुछ दिनों की तो बात है, हम संभाल लेंगे। माँ आपका ख्याल रखेगी और मैं गुब्बारे बेच कर आऊंगी। ऐसे कहते हुए नींबू गुब्बारे बेचने के लिए जाती है। नींबू अभी छोटी थी इसलिए गुब्बारे खरीदने के लिए ज्यादा लोग न आने पर बहुत जल्द निराश हो जाती है और लगातार जगह बदलती रहती है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, 10 रुपए में एक गुब्बारे का पैकेट ले लो। इसमें तो हवा ही नहीं है, मुझे हवा वाले गुब्बारे चाहिए। नींबू ठीक है कहकर एक गुब्बारे में हवा भरकर उस छोटे बेल को देती है। वो छोटे बेल उस गुब्बारे को लेकर
नींबू को 10 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। वो 10 रुपए देकर नींबू हवा वाले गुब्बारे इन बिना हवा वाले गुब्बारों से ज्यादा बिकते हैं और ज्यादा पैसों में भी। मुझे इनमें हवा भरकर बेचकर देखना होगा, शायद ये काम कर जाए। ऐसे हवा भरकर बेचने पर नींबू एक पैकेट गुब्बारे बेचकर 10 पैकेट गुब्बारों का पैसे कमाकर घर लौटती है। लेकिन उसके हाथ में इतने सारे पैकेट्स देखकर नींबू के माँ बाप को लगता है कि बेचारे नींबू की मेहनत बेकार हो गई है आज की। काफी थक गए हो बेटा, लगता है इतनी मेहनत के बाद निराशा मिली है। तुम चिंता मत करो, कल से मैं सब संभाल लूंगी। अरे माँ, मुझे सांस तो लेने दीजिए और मैं जो कहना चाहती वो भी तो सुनिए, कोई निराशा नहीं है। ऐसे कहते हुए नींबू अपनी माँ और पिता को सारी बात बताती है कि कैसे उसने आज गुब्बारे बेचकर पैसे कमाए और वो हर रोज ऐसे ही काम करके 6 महीनों तक अपने घर को संभालती है। उसके बाद नींबू के पिता सांद्रा बेल ठीक होते हैं और नींबू की तरह अब से गुब्बारे में हवा भरकर बेचता है। वो सब पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं।